देखिए बच्चों, नया लेसन है। तुम लोग का ये लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। लेसन सेकेंड, यूनिट सेकेंड, लैग्रेंजेस, वहां तक पढ़ा लिया ना, डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल तक, वहां तक ये कंप्लीट हो गया। यूनिट सेकेंड, लैग्रेंजेस इक्वेशन, लैग्रेंजेस इक्वेशन। अब जरा इससे पहले मैं जरा सा आपको भी रिवीजन कर देता हूं थोड़ा सा, जिससे आगे आपको दिक्कत ना आए। देखिए क्या है कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, आपके दो पार्ट हैं। एक है क्लासिकल मैकेनिक्स और प्लस है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है, इस सेमेस्टर में। तो ये कंपलसरी पेपर है, ठीक है, और एक ऑप्शनल आया है, तो जो कॉलेज वाले देंगे, ऑप्शन कई होंगे, ठीक है, आप देखेंगे, जो कॉलेज वाले देंगे वो हम लोग देखेंगे। अभी हमारे पास बुक प्रगति की आई है, तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। अब वो और मार्किंग का भी पता चलेगा कैसे इस सेमेस्टर में होंगे। तो ओवरऑल वे में आपके दो पेपर हैं, एक आपका कंपलसरी पेपर है क्लासिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल, इसकी 8 यूनिट पढ़नी है, और दूसरा आपका जो कॉलेज वाले एक बार डिसाइड करेंगे तभी मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये तो कंपलसरी पेपर। क्लासिकल मैकेनिक्स की यूनिट फर्स्ट में पहले मैं एक सिस्टम बता देता हूं, तुम लोग भी रिवीजन कर लो कि हमने क्या किया। क्लासिकल मैकेनिक्स यहां से स्टार्ट, ये हमने लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन ले ले या ओरिजिन ले ले, ठीक है, मगर बॉडी रोटेट कर सकती है, ये हम ओरिजिन मान लें, और एक M1 मास का पार्टिकल है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस R1 है, M2 मास का पार्टिकल है जिसकी डिस्टेंस R2 है, M3 मास का पार्टिकल है डिस्टेंस R3 है, MN मास का पार्टिकल है डिस्टेंस RN है, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। या ऐसे मान लो कोई बॉडी यहां पे कहीं पे ओरिजिन मान लो किसी पॉइंट के अबाउट, और ये M1 मास का पार्टिकल है, M2 मास का पार्टिकल, M3, M4, MN, इसे हम क्या कहेंगे सर, मतलब a collection of large number of particles, जो कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो एवरी बॉडी having large number of particles, so that each body behave like a system of particle, ठीक है। अब इस system of particle के लिए ये statistical में भी थोड़ा use होगा उस type का, कि आपने R1 लिया, R1 का मतलब होगा X1, Y1, Z1, R2 लिया X2, Y2, Z2, R3 लिया X3, Y3, Z3, XN लिया या RN लिया तो XN, YN, ZN, तो यहां पर हमने क्वाड्रिनेट्स लिए, वो क्वाड्रिनेट्स थे जनरलाइज्ड क्वाड्रिनेट, थोड़ा सा बता दें फिर आगे चलें, जनरलाइज्ड क्वाड्रिनेट्स लिए, और उस जनरलाइज्ड क्वाड्रिनेट सिस्टम में, ठीक है, जो जनरलाइज्ड क्वाड्रिनेट्स लिए वो हमने ऐसे लिए, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन Q3N तक,
ये हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। Q1 में X1, Y1, Z1, Q1 में X2, Y2, Z2, मतलब Q1 जो है फंक्शन है किसका, इसका X1, Y1, Z1 का, X2, Y2, Z2 का, ऐसे ही चलते चले जाओ, XN, YN, ZN, T का, ठीक है। Q2 फंक्शन है X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, XN, YN, ZN, T का, और इसी तरीके से चलते चले जाइए Q3N, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, XN, YN, ZN, T। तो यहां पर ये Q1, Q2, Q3, Q3N आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। रिवर्स भी कर सकते हो, अगर रिवर्स लोगे तो X1 आएगा, रिवर्स लोगे तो X1 आएगा, उल्टा लोगे तो X1 आएगा। ये जो बेसिक चीज यूज होनी है वो मैं थोड़ी सी बता दे रहा हूं बस। X1 आएगा, X1 किसका फंक्शन होगा, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Q3N, T का, ठीक है। ऐसे ही चलते चले जाओगे और आप कहां तक जाओगे, XN फंक्शन Q1, Q2, Q3, Q3N, T का, YN Q1, Q2, Q3, Q3N, T का, ZN Q1, Q2, Q3, Q3N, T का। तो ये है, तो इसमें Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q3N तक आप एक बार जाते हो, तो उसको दिखाया गया आईस या जे से। जे आप लोगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 3N तक जे लोगे, और आई आप लोगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एन तक। तो इसके अकॉर्डिंग आप आर आई लोगे, ठीक है, आई लोगे, और जे लोगे 3N के अकॉर्डिंग। तो अब जैसे आपको पोजीशन वेक्टर आर आई लेना है, तो आर आई फंक्शन किसका हुआ, Q1, Q2, Q3, Q3N, T का, ठीक है। ये आर आई फंक्शन किसका हुआ, Q1, Q2, Q3, Q3N, T का, ठीक है। तो अब जैसे आर आई का हमको चेंज लेना है, हमें यूज करना है, शुरुआत यहीं से करनी है, डेल्टा आर आई लेना है, आर आई का हमें डेल्टा आर आई लेना है। तो हमने क्या किया, सिग्मा जे इज इक्वल टू 1, 2, 3N डेवर आर आई अपॉन डेवर Qj इंटू डेल्टा Qj, ऐसे, ठीक है। अब तुम्हारा टी का रह गया, तो टी का लेंगे कैसे, डेवर आर आई अपॉन डेवर T इंटू डेल्टा T, ऐसे। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, जहां डेल्टा Qj जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये जो आपका Q1, Q2, Q3, Q3N, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ये बेटा जरा सा नोट कर लो तो तुम्हें दिक्कत ना हो।
नोट कर लो जल्दी। अभी टॉपिक शुरू होने से पहले जरा एक बार देखो, अभी तुम लोगों को तो पता है सब, है ना, पहले लेसन का। थोड़ा सा आगे कर लो, जरा सी थोड़ी सी आगे कर लो, थोड़ी सी आगे कर लो, बस वो गिरेगी भी तुम्हारे ऊपर ना, गिरे ज्यादा नहीं, उतनी तुम तो इतना डर गई, वो तो गिरेगी तुम्हारे ऊपर ना, गिरे तो फिर तुम इसके बगल में बैठ जाओ। वो दिख गई हमें, चिपकी है, पता नहीं क्या। विजयनगर में हम पढ़ाते थे, पता नहीं क्या था, 6 बजे बैच शुरू होता था फर्स्ट सेमेस्टर का, छिपकलियां पता नहीं कहां से आ जाती, और बच्चे पूरी क्लास भर वो हम पढ़ा रहे, वो सब ऊपर देखे। कई बार हमें लग रहा है वो मर गई है वहीं पे, वैसे ही बिल्कुल फिक्स दिख रही है, नहीं जैसे वो चिपकी है और अचानक उसके प्राण चले गए, तो वैसे ही हो जाता है। अब वो ऐसी चिपकी रहेगी, वो जो वो है ना उसका बिल्कुल फिक्स है। ये अभी हम तुम आपको ऑनलाइन दे देंगे, फिर एक्स्ट्रा ब्लॉक पढ़ा देंगे, ठीक है। बैच अभी शुरू किया, पर इसमें यूनिट छोटी छोटी हैं, टॉपिक हो गए उसमें, पहली यूनिट हो गई। अब जैसे एमएससी लेवल पे होता है तो ये टाइम वाला हम छोड़ नहीं पाते, बीएससी लेवल पे हम ये टाइम वाला छोड़ देंगे, तो हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, डेल्टा आर आई जे बराबर 1, 2, 3 n, डेवर आर आई अपॉन डेवर क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, है ना। तो ये टाइम वाला हम कंपोनेंट छोड़ देंगे। एक मिनट ये और देख लो, हो गया नोट। देखिए क्या होता है, अभी हमने बताया कि जैसे पार्टिकल्स हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स अगर डिस्प्लेस भी हुए तो अपनी इनिशियल पोजीशन में रिगेन हो जाएंगे। कभी देखा है कि हमने किसी बॉडी को रोटेटिंग बॉडी पे फोर्स लगाया तो उसके बॉडी तिरछी हो गई, और अगर हल्का फुल्का वेरिएशन भी हुआ तो हमें दिखाई नहीं देता। अब जैसे स्फीयर लगा दो और उसे रोटेट कराओ तो फोर्स लगाते हो तो इंटरनल भी तो चेंज आता है, पर वो हमें दिखाई नहीं देता। तो वैसे ही है आपका, इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल होता है, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्चुअल होता है, और इक्विलिब्रियम वर्चुअल क्या मतलब, इमेजिनरी होता है।
और इक्विलिब्रियम में वो वर्क डन क्या माना जाता है, जीरो। तो ये आप याद रखिएगा, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वर्क डन डब्ल्यू बराबर सिग्मा आई, सिग्मा आई बराबर वन टू एन एफ आई डेल्टा आई, ये क्या होगा, जीरो। तो एक ये ध्यान रखिएगा, आई बराबर वन टू एन एफ आई डेल्टा आर आई बराबर जीरो, ये आया, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। आपने आई बराबर वन टू एन एफ आई और डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया, डेल्टा आर आई, यही तो वर्क डन होगा कि भाई ये डेल्टा आर आई है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है एफ आई। ये वर्क डन क्या होता है इक्विलिब्रियम में सभी पार्टिकल्स के लिए ओवरऑल में, जीरो। अब न्यूटन का लॉ है, देयर इज एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है एक रिवर्स फोर्स भी लगता है और वही रिवर्स फोर्स की वजह से बॉडी अपनी इनिशियल पोजिशन में आती है। तो उन्होंने डी एलम्बर्ट ने इसको लिया आई बराबर वन टू एन एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल्टा आर आई बराबर जीरो, ये है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो हमने पहली यूनिट के जो टॉपिक थे वो बता दिए। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में आई बराबर वन टू एन एफ आई और ये देयर इज एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पी आई डॉट डेल्टा आर आई बराबर जीरो, तो ये है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ये है वर्चुअल वर्क डन, जो इमेजिनरी वर्क डन है। अब इमेजिनरी फिजिक्स में क्या है कि अब जैसे आप जो वर्क कर रहे हो वो दिखे, तो हम अब पता चला आपने क्या किया, गए घर पर फिजिक्स ये वाली बुक कॉपी को आप लगातार देखते रहे, ठीक है, पर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, देख लिया जब भी चला तो आपने पलट के देख लिया, तो क्या होगा, पेपर में जाओगे लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें तो पेन चलना चाहिए ना। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको रिजल्ट तो जीरो मिलेगा ना, लाख आप पढ़ाई तो करते रहे। तो वैसे ही है कि यहां पर पार्टिकल डिस्प्लेस तो हुए पर उसकी वजह से कुछ मिला तो है नहीं। फिजिक्स क्या, प्रैक्टिकल चीज, आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, तो वो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो पूरे सिस्टम आप पार्टिकल के लिए इमेजिनरी वर्क डन, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्क डन, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वो क्या आता है, जीरो। और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में रिवर्स फोर्स और लगा दिया गया। ये तो ये था पिछले लेसन का थोड़ी सी समरी, और इनके वजह से थोड़ा बताया, ठीक है, इसका मुझे यूज करना है इसलिए और मैंने बताया। ठीक है, अब रफ करूं, अब आ जाइए लैग्रेंजेज इक्वेशन और लैग्रेंजियन। अब टॉपिक पे आ जाइए, लैग्रेंज इक्वेशन एंड लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन अब देखिए, यही सिस्टम आप पार्टिकल लिया, ये हर समय दिमाग में रखिएगा। ये आपने एक फिक्स फिगर बनाया था, तुम लोग बार बार कंफ्यूज कर रहे हो, इसलिए ऐसे भी बना दे रहे हैं एक्स वाई जेड। और जिनको एम1 मास का पार्टिकल पोजीशन वेक्टर आर1, वेक्टर मत बनाओ नहीं तो काम बढ़ जाएगा। एम2 मास का पार्टिकल पोजीशन वेक्टर आर2, M3 मास का पार्टिकल पोजीशन वेक्टर R3, ठीक है, M4 मास का पार्टिकल पोजीशन वेक्टर R4,
mn मास का पार्टिकल पोजीशन वेक्टर r है, mn मास का पार्टिकल पोजीशन। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको रोटेटिंग ही लेना, कैसे भी ले सकते, बस ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये इस क्लासिकल मैकेनिक्स का बेस है कि आपके दिमाग में हमेशा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव करना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि मैथमेटिकल है तो थोड़ा सा पिछला बैकग्राउंड जब तक नहीं आता तब तक समझने में दिक्कत होती है। अब देखिए, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या होगी, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती, पोजीशन की वजह से। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये मेटेलिक सरफेस है, लाइट पड़ी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पड़ा, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जब मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा कैथोड रेज होंगी या बीटा रेज होंगी, तो उन पार्टिकल्स के पास लाइट की वेलोसिटी के आसपास की स्पीड होगी, तो ऐसे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो ही मान लेते हैं, है ना, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो उनके पास जो टोटल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पर ये तो एक बॉडी के अंदर के पार्टिकल है, तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और पोटेंशियल एनर्जी वी किसका फंक्शन है, ठीक है, वी फंक्शन है आपका Q1, Q2, Q3, Q3n, T का। वी फंक्शन है इसका, ठीक है। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स तो लेने ही है, और उनमें मेन ये है Q1, Q2, Q3, Q4, Q3n, T। ये अब आइए, आप काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल के है। काइनेटिक एनर्जी को के से दिखाएं, टी से दिखाएं, टी यहां का टी, टी बराबर सिग्मा आई बराबर वन टू एन हाफ एम आई वी आई हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। आई बराबर वन रखोगे M1V1 स्क्वायर, आई बराबर टू रखोगे M2V2 स्क्वायर, आई बराबर थ्री रखोगे M3V3 स्क्वायर, आई बराबर एन रखोगे MnVn स्क्वायर, ठीक है। अब वेलोसिटी की वैल्यू वी आई पर भी जरा वर्क करिए, VI पर भी वर्क करिए, वेयर VI बराबर DRI/dt, VI बराबर DRI/dt, DRI/dt को क्या कर दो, RI डॉट, मतलब एक बार जब डिफरेंशिएट करो तो डॉट, दो बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन हो गया, तो ये RI डॉट हो गया, ठीक है। तो VI का क्या हो गया, VI DRI/dt दैट इज RI डॉट। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी टी बराबर, ये आइडियल सिंबल है जो पोस्ट ग्रेजुएशन में यूज हो रहा है, वही आइडियल सिंबल है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में काइनेटिक एनर्जी को टी से दिखाया जाता है।
ठीक है। अब हम लोग बीएससी लेवल पर, बीएससी क्या मतलब इंटर के आगे, तो बीएससी लेवल पर के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब आप टी से ही ध्यान रखिएगा, तो टी की वैल्यू है सिग्मा आई बराबर 1 to n हाफ एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर। ये बच्चों हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब एक लैग्रेंजियन एल लिया गया, लैग्रेंजियन एल क्या है कि टोटल एनर्जी को, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, को हमने ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को लैग्रेंजियन एन माना गया, लैग्रेंजियन एल इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो लैग्रेंजियन एल, ये डरना नहीं, ये जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है स्टैटिस्टिकल, जिस क्लास के अकॉर्डिंग आप बढ़ोगे तो थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड बदलेगा ही ना, तो स्टैंडर्ड बदला है पर हम बहुत इजीएस्ट वे में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लैग्रेंजियन एल इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये याद कर लीजिए, एल बराबर टी माइनस, लैग्रेंजियन एल बराबर टी माइनस काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है लैग्रेंजियन, ठीक है। मतलब जब ये डिफरेंस आएगा दैट इज लैग्रेंजियन। अब आप देखिए इसी पर मोशन के लिए, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए लैग्रेंजेज इक्वेशन बनाई गई, लैग्रेंजेज इक्वेशन, इक्वेशन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इन द सिस्टम। लैग्रेंजेज इक्वेशन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो लैग्रेंजेज इक्वेशन ये होती है, डी वाई डी टी ऑफ डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे बराबर जीरो। ये लैग्रेंजेज इक्वेशन है, डेवर एल, डेवर एल डी वाई डी टी ऑफ डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे बराबर जीरो। ये है आपकी लैग्रेंजेज इक्वेशन, ठीक है, ये लैग्रेंजेज इक्वेशन। तो ये है लैग्रेंजेज इक्वेशन एंड लैग्रेंजियन, ठीक है, फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब आपको बता दें दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव सिस्टम, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये हम अलग से बता दें, देखिए एक मिनट इधर देखिए, सिस्टम जो है इनको भी हमने दो क्लास में डिवाइड किया, जो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसको भी हमने दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक है कंजर्वेटिव सिस्टम, वन इज कंजर्वेटिव सिस्टम एंड अनदर वन इज नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। एक है कंजर्वेटिव सिस्टम,
एक है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम अगर होता है तो उस सिस्टम के लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम होता है तो कौन सा फोर्स लगता है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो है जो पास से इंडिपेंडेंट है। आप एक पर्टिकुलर पोजीशन से एक पर्टिकुलर पोजीशन गए तो आप चाहे जैसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, हमारा, हम ये मान रहे हैं कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है और यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी सेम। अब जब गेन इन काइनेटिक एनर्जी सेम है तो दैट इज वर्क डन सेम, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, गोल चौराहा से आप सीधा चले आए, ठीक है, तब भी आप वर्क डन उतना ही मान रहे हो, और आप अंदर से घूम के आए तब भी वर्क डन इतना ही मान रहे हो, मतलब पास से इंडिपेंडेंट है तो वो क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव सब होते हैं लगभग, आपके जितने भी दिख रहे हैं फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दे आर ऑल फोर्सेस लगभग कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ दो है, एक है विस्कस फोर्स जो लिक्विड में लेयर्स के बीच लगता है, और एक है आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे पैर और इसके बीच है। तो फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, बस इतना आज आप ध्यान रखिए। कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तो कंजर्वेटिव सिस्टम है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तो नॉन। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं भी इंटर में औसत बीएस फर्स्ट सेमेस्टर का थोड़ा ध्यान आ रहा है कि नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ वाला नॉन कंजर्वेटिव और डिपेंडेंट ऑफ पाथ वाला कंजर्वेटिव, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ वाला कंजर्वेटिव और डिपेंड्स अपॉन पाथ वाला, तो दोनों सिस्टम के लिए लैग्रेंजेज इक्वेशन सेम रहती है। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम लैग्रेंजेज इक्वेशन डी बाई डी टी ऑफ डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे बराबर यही रहेगी, ठीक है। प्रूफ करेंगे अभी हम, प्रूफ का तरीका अलग होगा। और नॉन कंजर्वेटिव, रफ कर दें, नोट कर लो, ये वाला भी थोड़ा ध्यान कर लो, ठीक है, लिख लो अलग से, ऊपर लिख लो, लिखा नहीं अभी, अच्छा इधर ऊपर लिखना ये वाले के। तुम्हारा कांस्टेंट छूटा था ना, वो भी 10 मिनट 15 मिनट में पढ़ा देंगे तो इसका भी हो जाएगा। फॉर्म ले आई, दे दो तो जमा करा दे मंडल में। क्राइस्टचर्च में एडमिशन होने लगे, हो गए कि नहीं? एडमिशन आपने ले लिया कि नहीं? अभी आपने एडमिशन ले लिया फिफ्थ सेमेस्टर में कि नहीं? एडमिशन लोगों ने स्टार्ट कर दिए क्योंकि वो जो सेमेस्टर वाइज है तो आगे तो बढ़ना ही है ना, 40% से तो ऊपर चला ही जाता है बच्चा, जो प्रैक्टिकल से ही बढ़ जाएगा। यहां जे का ध्यान रखिएगा, आई जाएगा 1 से n तक और जे जाएगा 1 से 3n तक। तो दूसरा फोन ले आता हूं, जल्दी कर।
हेलो धनंजय, यहां आ जाना गुरुदेव पे। कितनी देर में आओगे? क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देख लो, हो जाए प्रॉपर हो गया। नहा धो लो ना, नहा भी लो। करो जल्दी से बंद। हो गया? कल 9 बजे आना है, ठीक है? जो जिस अकॉर्डिंग वो है ना, क्योंकि आपने इतने सेमेस्टर पढ़ के देख लिया कि कॉलेजेस सिलेबस का कोई ध्यान नहीं देता है कि आपका सिलेबस पूरा कराना है। ये कॉलेज के किसी टीचर ने सोचा कि सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं हुआ? और जब ऑनलाइन मीटिंग डीसी साहब लेते हैं तो सब कह देते हैं कोर्स हो गया, समझ गए? तो वो पेपर आपका दिसंबर में ही होना है और अगर टाइम कम है तो इसलिए आप बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ने लगे। और रिजल्ट में तो सबको मालूम ही है कि आपको अगला सेमेस्टर तो मिलना ही है, ठीक है? इसलिए आप बिल्कुल गंभीरता से पढ़ाई शुरू कर दो। अब देखिए एक बार फिर से, ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसका दिमाग में बिल्कुल फिक्स रखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है पोजीशन का, और पोजीशन में पोजीशन कोऑर्डिनेट्स R1, R2, R3, R4, RN, और RN में आता इनडायरेक्ट वे में जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो आप दोनों ही ले सकते हो, v फंक्शन किसका? पोजीशन ri का, ठीक है? v फंक्शन पोजीशन ri का, v फंक्शन पोजीशन ri का, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में v फंक्शन q1 q2 q3 q3n t का, क्योंकि जब भी आप लोगे तो वो इस फॉर्म में ही लोगे। फिर आ जाइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, आई बराबर 1 to n, हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। अब वी आई का मतलब क्या है? आर आई डॉट, वेक्टर एक्टर ने बनाइए आर आई डॉट, डी आर आई अपॉन डी टी को आर आई डॉट। तो टी बराबर 1 to n, हाफ एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर, ठीक है? या हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। लैग्रेंजियन इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लैग्रेंजियन जो